सुन रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। भूली बिसरी सुधियों के संग एक कहानी हो जाए, तुम आ जाओ पास मेरे तो रुत रूमानी हो जाए। मन बंधने सा लगता है अभिलाषाओं के आंचल में, प्रिय तुम प्रहरी बन जाओ थोड़ी मनमानी हो जाए। हेलो हाय, मैं हूँ स्वाति। किसे सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और फिलहाल जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने, और आप इसे सुन रहे हैं मेरे यानी स्वाति के साथ। तो अभी तक आपने कहानी में सुना कि समर आरती को अपने घर बुलाता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं आ पाता क्योंकि उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है जो उसे समझने ही नहीं दे रहा है कि वो कैसे आरती और रश्मि के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर पाए। और इधर रश्मि भी वापस आ गई है, तो उसके बाद क्या कुछ होने वाला है यही हम आगे कहानी में आपको सुनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। सुबह जब वो कश्मीरी गेट पर उतरा तो आरती हमेशा की तरह पहले से ही मौजूद थी। आज समर उसे देखकर अनमना सा हो गया। आरती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों मेट्रो में चढ़ गए। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए आरती ने कहा, बस गई गृहस्थी? हाँ, गृहस्थी तो पहले से ही बसी थी। चिटक क्यों रहे हो, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा बता, रश्मि जी ठीक है? सिद्धार्थ की क्या हाल? सब मस्त है। रश्मि को जाने क्यों अब आभास हो रहा है कि मेरे साथ सब सही नहीं है। क्या मतलब? यार ऐसा है कि मेरे से ना एक्टिंग नहीं होती। मन के भाव मेरे चेहरे पर साफ नजर आ सकते हैं, मैं छुपा नहीं पाता हूँ। तो छुपाने की क्या जरूरत है? समर ने आरती को ऐसे देखा जैसे कि किसी एलियन को देख रहा हो। तुम इसका मतलब समझती हो? हाँ, और एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा, सही बात कहनी चाहिए। चुप रहो, तुम्हारा स्टेशन आ गया। आरती मुस्कुराते हुए जंगपुरा उतर गई। समर को आरती के अंतिम शब्द चुभते से लगे। उसे खुद पर झुंझलाहट सी होने लगी। उसने सर को एक तरफ झटका और सीट से उठकर खड़ा हो गया। लंच हो गया। दोपहर में आरती का मैसेज आया। हाँ, तुमने? ना। क्यों? लाई नहीं। क्यों, कुछ मंगा लो? हाँ ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके। शाम को जब वो साथ में आ रहे थे तो समर ने पूछा, तुम लंच क्यों नहीं लाई थी? अरे मैं सुबह देर से उठी थी ना, इसलिए बन नहीं पाया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते करते मेरा टाइम ही हो गया था। तो घर में और कोई नहीं है क्या? मम्मी मेरी सास रहती हैं। तो वे नाश्ता नहीं बना सकती? सारा काम मेरे जिम्मे। अरे ऐसे तो तुम मर जाओगी। जब दोनों वर्किंग हो तो एक काम वाली रख लो। आरती कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। नील स्टेशन आ गया है। आरती उठने को हुई कि समर ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। वापस चली आना मॉडल टाउन से। वो कुछ नहीं बोली। समर आरती की हथेलियों को छूकर देखने लगा। क्या देख रहे हो? काम वाली नहीं लगी है ना? आरती ने सर झुका लिया। ऐसा है, आज तुम प्रकाश से बात करना और सख्ती से नौकर के लिए बोलना। नहीं यार, घर में क्लेश हो जाएगा। होने दो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। सुन रही हो ना मेरी बात? समर का स्टेशन आ गया। जब वो उतरने को हुआ तो अब की बार आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो फिर बैठ गया। दोनों चुपचाप कश्मीरी गेट पहुंचे। समर उसे रोहिणी जाने वाली मेट्रो में बिठाकर वापस आया। घर में क्लेश हो गया है। रात में आरती का मैसेज आया। होने दो, लेकिन तुम अपनी बात पर अड़े रहना, बिल्कुल गुस्सा मत करना और किसी से बातचीत भी बंद नहीं करना।
सबसे हंसकर बोलना। बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश करो, गुस्सा आए तो कल मुझ पर निकाल लेना। चलो बाय, रश्मि खाने पर बुला रही है। तुम्हारे साथ जो लोग काम करते हैं उनके भी ऊपर काम का बोझ है या सारी मजदूरी तुम खुद ही करते हो? डाइनिंग टेबल पर खाते खाते रश्मि ने पूछा। सब करते हैं, मैं स्किल्ड ज्यादा हूँ तो मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी है। आजकल कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है क्या? हाँ, कुछ यूं समझ लो कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। अच्छा, पर ऑफिस का काम और ऑफिस की बातें ना वहीं छोड़कर आया करो तो ज्यादा बढ़िया रहे। अच्छा ठीक है बाबा, अब खाने दो ना। खींचते क्यों हो? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी मैंने, एक नॉर्मल सी बात ही कही है। समर ने पानी पिया और डाइनिंग टेबल से उठ गया। सो गए? रश्मि ने बेड पर लेटते हुए पूछा। नहीं, अभी नींद कहाँ आएगी। अच्छा जी, चलो हम आ गए हैं, अभी सुला देते हैं तुम्हें, रश्मि शरारत से बोली। सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। समर रश्मि का हाथ अपने सीने से हटाते हुए बोला और आंखें बंद कर ली। सुनो ना, कल छुट्टी ले लो। क्यों? बस मेरा मन है। अरे कोई काम वाम हो तो छुट्टी ले भी लूं, प्राइवेट नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, मैं मर जाऊं तो भी नहीं मिलेगी ना? मुझे कुछ नहीं पता, तुम कल ऑफिस नहीं जाओगे, बस कल हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। कितने दिनों बाद आई हूँ, तुमने ना तो ढंग से मेरी तरफ देखा और ना ही कोई बात की। कल कहीं घुमा दो दिल्ली, अच्छी तरह से हमने देखा ही कहा है, रश्मि बोली। अच्छा कल सोचेंगे, अब सो जाओ। नहीं, पहले बोलो कि कल ऑफिस नहीं जाओगे। अच्छा नहीं जाएंगे, समर ने करवट लेते हुए कहा। अगले दिन समर ने आरती को टेक्स्ट किया कि वो रश्मि को दिल्ली घुमाने ले जा रहा है। आरती का संक्षिप्त उत्तर आया, ओके। दोपहर में समर रश्मि के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा था तो आरती का फोन आया और उसने फोन काट दिया। किसका है? अरे किसी कुलीग का होगा, आज एब्सेंट है ना इसलिए। चैन नहीं है इन लोगों को, तुम ना फोन बंद कर दो। रश्मि ने समर के हाथ से फोन लेकर उसे ऑफ कर दिया। शाम को समर ने घर आकर जब फोन खोला तो उसमें आरती का मैसेज पड़ा हुआ था। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी पर दिल के आगे मेरी एक ना चली, मुझे माफ कर देना। एक बात बताना चाहती थी, परसों मेरे स्कूल में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मैनेजमेंट चाहता है कि कुछ अच्छे स्पीकर्स आकर कार्यक्रम में बोलें। मैं उस कमेटी को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, तुम मुझसे बात कर लेना, ठीक है? समर ने मैसेज पढ़ के अपना सिर एक तरफ झटका। क्या हुआ, थकान हो गई क्या घूमकर? रश्मि उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। नहीं यार, परसों के कार्यक्रम में मुझे बोलना है, मुझे पता ही नहीं है क्या बोलना है। अरे तो पूछा नहीं गया तुमसे कि तुम बोलोगे कि नहीं? नहीं, कोई मेरा फेसबुक फॉलोअर है, वो डीपीएस में एक कार्यक्रम में मेरा नाम देकर मुझे आप इन्फॉर्म कर रहा है, दोपहर में उसी का फोन था। अरे तो ना जाओ। जाना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, साहब मुस्कुराए तो चलो इसी बात पर थोड़ी चाय और ले लो। हो गया घूमना, आरती ने पूछा। हाँ हो गया। रश्मि जी के क्या हाल? ठीक है, तुम बताओ, घर में सब ठीक? सब ठीक होना ही था, काम वाली लग गई, आरती मुस्कुराई। अरे वाह, देखा, मैं कहता था ना, जब तक किसी बात के लिए कहोगी नहीं तब तक तो कुछ होने से रहा, अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। अच्छा सुनो, कल कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम है सोशल टाइप का और मैंने ना तुम्हारा नाम दे दिया है तुमसे बिना पूछे, और अब तुम्हें कल बोलना है। अब जब दे दिया है तो दे दिया, बस टॉपिक बता दो। मॉडर्निटी मींस आधुनिकता। अब सुना था कि मोहब्बत अपने आशिक को सुपर हीरो बना देती है, तो हमने भी बना दिया। इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है कि क्या ही बताऊं। अब तुम मेरी नाक ना कटा देना। डोंट वरी, कल मेरा जलवाए दीदार करना, अब शाम को मिलते हैं। समर राजीव चौक उतर गया।
रात में समर अपनी स्पीच बनाने में लगा था। हमको भी स्पीच देनी है, रश्मि ने पास बैठते हुए कहा। अच्छा दो। समर ने हंसते हुए अपनी मुट्ठी का माइक बनाकर रश्मि के मुंह पर लगा दिया। भाइयों और बहनों, नहीं नहीं, सिर्फ मेरी स्पीच सुनने तो तुम भी बैठे होगे ना, तो भाइयों कैंसिल। ओनली बहनों, नहीं नहीं ये भी कैंसिल। दोस्तों, दोस्तों बात ये है कि बात कुछ भी नहीं है, खामा खा सब ताली बजाने में टाइम खराब कर रहे हैं। भाषण पर कोई ताली बजाता है भला? ताली बजानी है तो श्रीमान समर जी की कविताओं पर बजाइए। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो समर से लिपटकर रोने लग गई। क्या हुआ? समर हतप्रभ सा हो गया। कुछ नहीं, रश्मि आंचल से आंख पोछते हुए बोली। अरे एकदम से रोने लगी, ऐसा क्यों? पता नहीं आजकल क्यों लगता है कि तुम कहीं खो जाओगे, रश्मि सुबकते हुए बोली। समर कुछ नहीं बोला, सिर्फ रश्मि के सिर को सहलाता रहा। वहां से घर आओगे या ऑफिस? समर को कोट पहनाते हुए रश्मि ने पूछा। डीपीएस से सीधे ऑफिस जाएंगे, छुट्टी नहीं शॉर्ट लीव ले रखी है। ठीक है, अच्छी से बोल कर आना, जल्दी जल्दी मत बोलना, ठहर कर बोलना। अच्छा मास्टर जी। समर हंसते हुए बोला। मैं सीधे तुम्हारे स्कूल जाऊं? समर ने आरती को टेक्स्ट किया। ओके, उधर से जवाब आया। समर ठीक 10 बजे डीपीएस पहुंचा और उसे रिसीव करने आरती आई। मन तो कर रहा है ना कि तुम्हें जोर से गले लगा लूं, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आरती ने उसे बुके देते हुए कान में कहा। थैंक यू। एक मुस्कुराहट के साथ समर ने सिर को हिलाया। क्या थैंक यू, थैंक यू, मेरी तरफ देखो, आरती ने दांत दबाकर बोला। यस मैम। समर की आंखों में शरारत थी। आरती उसे प्रिंसिपल रूम में ले गए, जहां और भी वक्तागण बैठे हुए थे। आप समर त्रिपाठी जी हैं, कनॉट प्लेस में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं। समर जी ये हैं डॉक्टर योगेंद्र जी, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये हैं आनंद गौतम जी, आप पर्यावरणविद हैं। ये सुनीता मैम है, आपने बालश्रम पर बहुत काम किया है। आरती ने सबसे परिचय कराया। समर सबसे हाथ मिलाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गया। तो आप कहां से हैं समर जी, सुनीता ने पूछा। जी इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से आरती जी भी हैं, सुनीता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। जी। आई थिंक इलाहाबाद तो बहुत ट्रेडिशनल सिटी है, आनंद गौतम बोले। हाँ पर इलाहाबाद अभी भी स्मॉग से बचा है, समर ने जवाब दिया। दिल्ली में स्मॉग के दूसरे कारण है, हरियाणा पंजाब की पराली जलने से ये होता है, रिसर्च कहती है। रिसर्च क्या कहती है ये जानने से बेहतर होगा कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों पर एक बार घूम आए गौतम जी, आसपास की रहाइश भी देख लीजिए। जैव की कूड़े से कहीं ज्यादा कार्बनिक कूड़ा हवाओं को जहरीला बना रहा है, पराली और प्लास्टिक में कुछ तो फर्क है ही। समर ने आनंद गौतम की बात बीच में काटते हुए अपनी बात कही। गौतम अपना सा मुंह लेकर चुप हो गया। अच्छा मिस्टर त्रिपाठी, आपको दिल्ली आए हुए कितने दिन हुए, प्रोफेसर योगेंद्र ने गुरु गंभीर आवाज में प्रश्न किया। 2 साल। हाँ अभी मैं भी आंकड़े में देख रहा था, यूपी में नौकरी बची ही कहाँ है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये नौकरी चाकरी का चक्कर पैरों में सनीचर बांध देता है, फिर गोल गोल घूमते रहिए। समर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। सनीचर इतवार की तो मैं नहीं जानता, पर दिल्ली में इसी तरह लोग आते रहे तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डामाडोल जरूर हो जाएगा। दिल्ली में हर साल लगभग 5 लाख लोग आते हैं, अब सरकार 5 लाख घर हर साल बनाकर देगी तो नहीं, नतीजा दिल्ली की पहचान झुग्गी झोपड़ी हो गई है। प्रोफेसर साहब आप दिल्ली के ही हैं? हाँ मेरी पैदाइश दिल्ली की है, पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय से है, प्रोफेसर योगेंद्र ने बड़े शान से बताया। और आपके पिताजी की? मेरे पिताजी पंजाब में पैदा हुए थे,
बंटवारे के बाद हम वो दिल्ली में आ गए। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है। बड़े कठिन दिन थे। मेरे पिताजी ने कपड़े बेच बेच कर हमको पढ़ाया। प्रोफेसर के चेहरे पर फिर वही गर्व की अनुभूति थी। माफ कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब आपके पिताजी भी दिल्ली में जबरदस्ती घुस आए थे। शरणार्थी होने का मतलब आप अच्छी तरह से समझते होंगे। यहाँ दिल्ली में मैंने रिफ्यूजी कॉलोनियां देखी हैं। उस समय शरणार्थियों के लिए बनाई गई थी। आज नहीं बनाई जा रही हैं, इसलिए लोग झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। उस समय जिसे जहां मिला वहां झोंपड़ी डालकर रहने लगा। सब सापेक्ष बातें हैं प्रोफेसर साहब। आज बहुत सारे लोग आपके पूज्य पिताजी वाली गति से होकर गुजर रहे हैं, और ये प्रजनन तो एक प्रक्रिया है। हो सकता है आपका बेटा दिल्ली में ना रहे, अमेरिका चला जाए, तो वहां अगर उससे कोई पूछेगा कि दिल्ली में रोजगार नहीं है क्या, तो क्या जवाब दीजिएगा? माहौल भारी होते हुए देख प्रिंसिपल ने चपरासी को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए बोला। कोल्ड ड्रिंक आ रही है, आप सब ठंडा लीजिए, मुस्कुराती हुई प्रिंसिपल ने कहा। कमरे में खामोशी छा गई। चपरासी सबको कोल्ड ड्रिंक देने लगा। मैम, प्रोग्राम का टाइम हो गया है, आरती प्रिंसिपल के पास आकर बोली। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑनरेबल गेस्ट्स टू अटेंड द प्रोग्राम, प्रिंसिपल मैडम ने सबको चलने के लिए बोला। कार्यक्रम में एंकरिंग आरती ही कर रही थी। वो चाहती थी कि समर सबसे अंत में बोले, पर आयोजकों ने उसका नाम सबसे पहले तय कर रखा था। मैं आरती कुलश्रेष्ठ यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुबह विदा ले रही है, नरम दोपहर स्वागत करने चली आ रही है, पर सुबह प्रभात का दामन छोड़ना ही नहीं चाहती। वो भी क्या करे, एक रोज पूर्व की बारिश में भीगी शर्माई हुई शाखें, शोक हवा और चहचहाते परिंदे सभी तो प्रभात का समा प्रस्तुत कर रहे हैं। यादों के दरिए में डूबता उतरता मन पुल बन जाने को है श्रोताओं और वक्ताओं के बीच। साथियों, आज इस कार्यक्रम की एक अनोखी बात यह है कि आज जो सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें हम सबसे पहले सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर साहब को, जो अपने तत्त्व ज्ञान से आप सभी का ज्ञानवर्धन करेंगे। इसके बाद सभी ने कुछ न कुछ विषयों से संबंधित बातें रखी और अंत में आरती ने समर को आवाज दी। साथियों, अब मैं जिसको बुलाने जा रही हूं उसके विषय क्षेत्र के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर जितना जानती हूं उससे बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आप उनकी बातों को, उनके भावों को अंजलि भर भर कर ग्रहण करेंगे। मैं चाहती हूं कि आप सभी उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तालियों का झरना बह गया। ऐसे लगा कि ऊंघता जनसमाज एकदम से जाग गया। तालियों के शोर के बीच समर ने बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे, उसके सामने रश्मि आ गई माइक लेकर। नाना, भाइयों बहनों, नहीं फिर क्या, दोस्तों। समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किसी भी चीज का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर जो महसूस करता हूं उसी पर अपनी बात रखूंगा। दुनिया को जब हम देखते हैं, उसकी बेहतरी के लिए जब हम देखते हैं, तो जो मुझे समझ आती है उसे लेकर मैंने कई महानुभावों से बात की, तकरीबन एक जैसी बात आती है। जीवन पहले से कहीं ज्यादा जटिल, कठिन और असुरक्षित होता जा रहा है। ये कैसी दुनिया होती जा रही है? विकास, प्रगति, बेहतरी आदि आदि का कौन सा पैमाना बन रहा है, मेरी समझ में नहीं आता है। हर तरफ आशंका और भय का माहौल है। टीवी पर एड, क्राइम पेट्रोल, समाचार डराते रहते हैं। एड कहता है आपकी खाल अच्छी नहीं है, आपकी चाल अच्छी नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है। प्रत्येक विज्ञापन मर्यादा की रेखा को तोड़ता हुआ समस्या के समाधान की बात करता है, जबकि प्रचार के लिए किसी भी सीमा रेखा को तोड़ना समस्या ही पैदा करता है। हम दिन में हजारों विज्ञापन देखने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। विज्ञापन देखो, खरीदारी करो। आप खरीदारी करके खुश हो सकते हैं या जो मौजूद है उसका उपयोग करके। खरीदारी करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। खरीदारी आपको मालिक होने का सुख प्रदान करती है। सदुपयोग, वो किस चिड़िया का नाम है। ये यूज एंड थ्रो का समय है। विज्ञापन आपको हर मर्ज का गारंटी और शर्त या इलाज बताते हैं, लेकिन इलाज के बावजूद मर्ज वहीं का वहीं बना रहता है।
बल्कि और आपकी दशा बुरी स्थिति में पहुंच जाती है। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद किसी पर भी भरोसा करना बेमानी लगता है। समाचार देखो तो लगता है कि हम समय के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हिंसा, बलात्कार, बेईमानी के चरम तक पहुंचने की होड़ लगी है। देश, धर्म, प्रेम, भक्ति, बाजार पर बहस चल रही है। लॉजिक के दौर में अनायास होना या महसूस करना पिछड़ापन की श्रेणी में गिना जाने लगा है। हर तरफ लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं कि सतर्कता ही बचाव है, सतर्क रहिए। हर तरफ कैमरे ही कैमरे, आप निगरानी में हैं, क्योंकि आपको कोई या आप खुद नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर समय अपने नर्व सिस्टम को ताने रखिए, ढीला मत छोड़िए, क्योंकि कोई तो है जो आपके लिए खतरा है। कौन है? ये कैमरे लगाकर निश्चिंतता पैदा करने की कवायद गुटके पर लिखी वैधानिक चेतावनी जैसी है। अरे, इतने तनाव और डर में कैसे जिया जाए? हर पल अपने को बचाने की कवायद में लगे हैं और आखिर में जद्दोजहद कहां खत्म होगी? बीमारी या मौत? ये कैसी जिंदगी बनती जा रही है? ये कैसा समाज गढ़ लिया जा रहा है? दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है? मैं इनकार करता हूं मैच्योरिटी को, लॉजिक को, अनुभवों के करस्तर को। मैं इनकार करता हूं ऐसी व्यवस्था के दोहरेपन का, जहां आदमी को मशीन और मशीन को आदमी में तब्दील किया जा रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी प्रवृत्ति अनायास है। फिर आप कहेंगे कि मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं। हां, ये सच है। मुझे कभी कभी ये जेल जैसी समझ आती है। हो सकता है मैं गलत हूं, किंतु दुनियादारी से अजीब सी घुटन होती है कभी कभी, और इससे परे जाने का मन करता है। सब कुछ इस लॉजिक ने गंदा कर रखा है। पानी, हवा, माहौल, लॉजिक ने दो विश्व युद्ध दे दिए। इस लॉजिक के पास जो कुछ भी है वो निहायत रूहानी होगा, प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य होगा। यदि ऐसा नहीं है तो भी एक नया रास्ता होगा जिस पर चलकर देखने में कोई हर्ज नहीं। एक बात और कि मेरा कहा गया एक प्रस्ताव है जिसे परखा जा सकता है। सबके अनुभव और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर खुश होने का और सुखी होने का उद्देश्य एक ही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना समय देने के लिए और मुझ पर ध्यान देने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। समर ने जैसे ही अपनी स्पीच खत्म की, वैसे ही तालियों का रोला बैठा थी। तमाम पत्रकार उसके चित्र लेने लगे और बातचीत करने लगे। आरती किसी तरह पत्रकारों और मिलने वालों को ठेल ठाल कर समर के पास पहुंची। नील, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कौन सा रूप था जिसे छिपाए बैठे थे? समर कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा दिया। तब तक पत्रकारों ने फोटो के लिए कहा और समर के साथ आरती, उसकी प्रिंसिपल और एक दो लोगों के साथ अखबार के लिए चित्र लिए जाने लगे। अरे सुनो, तुम्हारी फोटो आई है अखबार में। अच्छा, देखें। रश्मि अखबार लेकर समर के पास आई। पढ़े लिखे वालों को थोड़ी नादानी दे मौला नाम से खबर छपी थी, जिसमें उसके भाषण के अंश प्रकाशित थे, साथ में चित्र जिसमें आरती उसके बगल में है और वो सवालों के जवाब दे रहा है। ये औरत कौन है जो तुम्हारे इतने करीब खड़ी है? रश्मि ने चित्र को घूरते हुए पूछा। अरे, वो वहां पढ़ाती है। बाद में पता चला कि ये भी इलाहाबाद की है और सीएमपी कॉलेज में 3 दिन क्लास लेकर छोड़ दिया था। तुमने कभी चर्चा नहीं की इसकी? यही है क्या फेसबुक फॉलोअर? हाँ, कल ही तो पता चला मुझे। समर झूठ बोल गया। अच्छा, तभी ऐसे चिपकी है, रश्मि मुस्कुराते हुए बोली। समर भी हंस पड़ा और बैग उठाकर ऑफिस चल दिया। कश्मीरी गेट पर आरती खड़ी थी। जैसे ही समर दिखा, वो दौड़कर उसे गले लग गई। समर उसे अलग करने लगा तो उसने और भी कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे रहने दो ना। अच्छा, मेट्रो आ गई। समर ने उसका हाथ पकड़कर मेट्रो के अंदर खींचा और सीट पर बैठते हुए पूछा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे इतने पास खड़े होने का तोहफा मिला है। आरती ने सिर झुका लिया। क्या हुआ? अखबार में तुम्हारे साथ मेरी फोटो थी, उसे देखकर नाराज हुए
और आरती की आंखें भर आई। समर सीट से उठ गया और आरती को उतरने को बोला। अभी एक स्टेशन बचा है। वो कुछ नहीं बोला, बस आरती का हाथ पकड़ उसने स्टेशन पर उतार लिया। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। उसने आरती की पीठ और सर को सहलाया, गालों पर थपकी दी और कहा, अभी तुम सब भूलकर स्कूल जाओ, शाम को बात करेंगे। वो फिर उसे मेट्रो तक छोड़ने गया और वापस राजीव चौक आया। तुम घर जाकर एकदम नॉर्मल बिहेव करोगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। समर ने शाम को वापस लौटते हुए आरती से कहा। कैसे? मुझे याद कर लेना। आरती मुस्कुरा पड़ी। तुम्हें पता है आज रश्मि ने क्या कहा? क्या? फिर समर ने सुबह हुई सारी बातें दोहराई। गुस्से से कोई हल तो निकलता नहीं, अपना दिमाग खराब हो जाता है, माहौल भी और बदतर होता है। प्रकाश ने रिएक्ट किया है, बुरा तो लगता ही है। रिएक्शन तो रश्मि का भी था, पर जरा कम। एक बात और, अब ये सब बातें होंगी ही, अगर उनकी जगह हम होते तो शायद इससे भी बुरा रिएक्ट करते। तो इन बातों को प्रसाद के तौर पर ही लेना चाहिए। जी गुरुजी। आरती के मन का तनाव कम हो गया था। स्टेशन आ गया, आरती उतर गई। तो क्या हुआ आरती के साथ घर पहुंचने के बाद, ये हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। फिलहाल इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगली एपिसोड को सुनने के लिए जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय।